हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी। तो जो सेंटअप की परीक्षा हुई थी बिहार बोर्ड 2022, अभी कुछ एक हफ्ते पहले, तो ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर है बच्चों। इसमें कितने प्रश्न आए थे कुल, देखिए 100 + 11 = 111 पूरे प्रश्न थे। समय जो था वो 3 घंटे था और जो इसका मार्क्स था वो कितना था, 100 था, ठीक है। तो ये जो सेंटअप एग्जाम जो लिया जाता है बच्चों, इसलिए लिया जाता है कि जो आपका फाइनल एग्जाम 2023 जो बोर्ड का होगा, बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का एग्जाम होगा, तो पेपर का पैटर्न जो है ऐसा ही आएगा, ठीक है। इसलिए सेंटअप की एग्जाम लिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आया था, और मैं आज इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाने वाली हूं। तो देखिए बच्चों, सेक्शन ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है, 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक में आपको 4 विकल्प है जिसमें से सिर्फ 1 सही है, जिसको आपको टिक लगाना है। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओ एम आर शीट मिलेगी, उसमें आपको रंग भरना है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड ओनली 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर पूरे क्वेश्चन दिए हुए, मैं पलट रही हूं, 9, 10, इसके बाद पूरा ये आपका देखिए 17 क्वेश्चन, 18, और इस तरह से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें बच्चों कितने क्वेश्चन से, 100 क्वेश्चन से, और कोई भी 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, कोई भी 50 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम में कोई बच्चा 50 से ज्यादा क्वेश्चन अगर कलर कर देता है तो शुरू के जो फर्स्ट 50 आंसर होते हैं उस पर ही मार्क्स मिलता है। इसलिए कोई फायदा नहीं होता है 50 क्वेश्चन से ज्यादा कलर करने का। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि सिर्फ 50 क्वेश्चन ही जो है आप उसको रंग भरिए। तो देखिए यहां पर मैं पूरे पन्ने पलट चुकी हूं, यहाँ पे 94 क्वेश्चन, और यहां पर देखिए 97, 98, और यहां पर देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है 100, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन करने होते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखिए बच्चों डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि 4 पैसेज आते हैं बच्चों, ठीक है, 4 1 2 3 4 पैसेज आते हैं स्टोरी, और 2 पैसेज आता है पोयम का। तो जैसे देखिए यहां पर पहला पैसेज ये दिया गया है, और इस पैसेज से रिलेटेड क्या है बच्चों, यहां क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद देखिए यहां पर और दिया है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 पैसेज है, एक पैसेज ये हो गया आपको, और एक पैसेज जो है आपका ये पैसेज है, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन है। तो इन दोनों पैसेज में से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आपको, एक पैसेज ही करना होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया डिस्क्रिप्टिव का। देखिए यहां पर दूसरा पैसेज है, या देखिए यहां पे सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर एक पैसेज दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद जब ये पैसेज खत्म हो रहा है तो और करके यहाँ पे दूसरा पैसेज है, मतलब 2 क्वेश्चन है बच्चों, और हर क्वेश्चन में 2 पैसेज है जिसमें से सिर्फ एक पैसेज आपको सॉल्व करना है, और इसके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर देखिए पोयम है, ठीक है। तो पोयम है और पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने, इसमें भी ऑप्शन है, यहाँ पर और ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे एक और पैसेज है जो कि आपको सॉल्व करना है। तो 2 पैसेज है क्वेश्चन 3 में जो कि एक पोयम है, दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों सिर्फ any 5, तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है इन 10 क्वेश्चन में से जो आपको करना है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो लेसन के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है बिहार बोर्ड की, जो हमारी इंग्लिश की बुक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, पैराग्राफ लिखना है, कितने नंबर का है, 5 नंबर का।
तो इसमें से कोई एक एनी वन, तो एक पैराग्राफ लिखने को आता है, कोई भी टॉपिक दी जाए तो इसमें आपको पैराग्राफ लिखना होता है। फिर यहां पर क्वेश्चन है, देखिए एनी थ्री, ठीक है, आंसर एनी थ्री क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 11, तो 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3 ही करना है। तो यहां पर देखिए एक नोटिस है जो आपको नोटिस लिखना है, फिर यहां पर देखिए एक रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट लिखना है, और फिर लास्ट यहां पर देखिए आपका यह लास्ट एप्लीकेशन है, लेटर है, और यहां पर एक स्पीच है, और फिर एक यहां पर मैसेज है। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, मैसेज लिखने आना चाहिए, ठीक है, आपको किसी टॉपिक पर स्पीच आना चाहिए लिखने, ठीक है, आपको एक लेटर आना चाहिए लिखने, उसके बाद आपको एप्लीकेशन आना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। यहां पर आपको क्या क्या, मैसेज, स्पीच, लेटर, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यहां पर भी क्या है बच्चों, नोटिस है और यहां पर एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों, एक नोटिस है और एक रिपोर्ट है। तो इस तरह के इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें करने होते हैं। तो आज हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहला आज का रीडिंग पैसेज हम लोग करते हैं, रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो यहां पे जो पैसेज दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वी समटाइम्स थिंक इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, वेरी नाइस मीन्स बहुत अच्छा, समटाइम्स कभी कभी, थिंक सोचते हैं, ठीक है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर बहुत अच्छा होता अगर कोई काम नहीं होता करने को, ठीक है। नाउ वी एनवी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग, एनवी मतलब ईर्ष्या, ठीक है। नाउ अब हम अमीर, उन अमीर लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिनको जीवन, देयर लिविंग, जीवन यापन करने के लिए काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हम उन अमीर लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिनको जीवन यापन करने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, बट कैन डू जस्ट वॉट प्लीजेस देम ऑल द ईयर राउंड, लेकिन वो काम कर सकते हैं पूरे साल, ठीक है, साल भर वो काम वो कर सकते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, प्लीजेस मतलब जो उन्हें खुशी देता है, जो उन्हें अच्छा लगता है, वो साल भर वही काम कर सकते हैं। येट वेन वी फील लाइक दिस, हालांकि हम ऐसा महसूस करते हैं, फील लाइक दिस मतलब ऐसा महसूस करते हैं, वी मेक अ मिस्टेक, हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग हालांकि महसूस करते हैं बट हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। समटाइम्स रिच पीपल आर नॉट एज हैप्पी एज वी थिंक, कभी कभी रिच पीपल, कभी कभी अमीर लोग उतने खुश नहीं होते जितना हम सोचते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे आर टायर्ड क्योंकि वो थक जाते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं होता है करने को। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादा लोग, ठीक है, हम में से ज्यादातर लोग, या इसका अर्थ हुआ हम में से अधिकांश लोग आर हैप्पी, खुश होते हैं, वेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू फॉर आवर लिविंग, तो ज्यादातर हम में से वो लोग खुश होते हैं जिनके पास नियमित काम होता है करने को, फॉर आवर लिविंग, अपने जीवन यापन करने के लिए उनके पास नियमित कार्य होता है करने को, वो लोग ज्यादा खुश होते हैं। एस्पेशली, खासकर, इफ द वर्क इज व्हाट वी लाइक टू डू, खासकर वह काम जो हमें करना पसंद हो। तो यहां पर देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी थिंक समटाइम्स, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर, जिन बच्चों को अपने शब्द में लिखने आता हो तो इनका आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जो अपने शब्दों में ना लिख पाए तो डायरेक्ट पैसेज से लिख सकते हैं उसका आंसर, बिल्कुल मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, चौथा क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर आपको पैसेज से लिखना हो, What do we think sometimes? ठीक है, हम कभी कभी क्या सोचते हैं, तो देखिए यहां पर है, We sometimes think it would be very nice to have no work to do. ठीक है, तो ये जो आप है वो पहले का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही होगा ये पहले का आंसर, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू वी एनवी रिच पीपल, ठीक है, तो हम अमीर लोगों से क्यों ईर्ष्या करते, तो इसका आंसर देखिए यहां से हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब ये आंसर लिखेंगे तो नाउन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो जब पैसेज से लिखना होता है तो कुछ शब्दों को हम एलिमिनेट कर देते हैं और कुछ शब्द का जो है उसको हम ऐड करते हैं तो वो कंप्लीट आंसर बनता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने के लिए नाउन का कोई जरूरत नहीं है, हम यहां से लिखेंगे वी, ठीक है, वी एनवी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग, बस इतना भी आंसर सफिशियंट है, दूसरे का आंसर इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कॉमा के बाद भी बट कैन डू जस्ट व्हाट प्लीजेस देम ऑल द ईयर अराउंड, तो आप यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं या यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा आप ईयर राउंड तक आंसर लिख दे। हम अमीर लोगों से इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम जीवन यापन करने के लिए उनको काम नहीं करना पड़ता है और वो साल भर वो काम कर सकते हैं जो उन्हें पसंद हो, ठीक है। तो ये सेकेंड का आंसर हो गया, राउंड तक लिखिए ज्यादा अच्छा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, Why are rich people not as happy as we think they are? ठीक है, तो अमीर लोग उतने खुश क्यों नहीं होते जितना हम सोचते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहां पर हमें ढूंढना है, हम बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। अगर आपको पैसे समझ में आता है, क्वेश्चन का मीनिंग अगर आपको समझ में आता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे समटाइम्स, देखिए अब यहां से लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहां से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है समटाइम्स, ठीक है, और क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है समटाइम, तो हम यहां पे यहां से लिखेंगे रिच पीपल आर नॉट एज हैप्पी एज वी थिंक बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, ठीक है। इसलिए का आंसर हम यहां से लिखेंगे रिच पीपल आर नॉट एज हैप्पी एज वी थिंक बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, तो अमीर लोग उतने खुश नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता है करने को और वो बोर महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथे का आंसर क्या होगा बच्चों, व्हाट मेक्स अस हैप्पी, हमें क्या खुश, हम कैसे खुश होते हैं, क्या ऐसी चीज होती है जिससे हम खुश होते हैं, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों। अब देखिए इस वाले आंसर को लिखने के लिए आप किस तरह से लिखेंगे और क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐड करना होगा। यहाँ पे लिख रहा है मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी, तो अगर जिनको नहीं आता है तो वो यहां से लेकर पूरा यहां तक उतार सकते हैं, मोस्ट से लेकर डू तक, लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह आप लिख सकते हैं, तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे, व्हाट मेक्स अस हैप्पी, तो इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे, ठीक है, व्हेन से, व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू फॉर आवर लिविंग एस्पेशली इफ द वर्क इज व्हाट वी लाइक टू डू मेक्स, तो यहां पे आप लिखेंगे मेक्स अस हैप्पी, ठीक है, मेक्स अस हैप्पी, तो यहां तक लिखेंगे, ठीक है। जब हमारे पास रेगुलर वर्क होता है, नियमित काम होता है करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, खासकर वह काम जो हमें पसंद है, हमें खुश करता है, ठीक है, हमें खुशी देता है, मेक्स अस हैप्पी, तो ये हो गया बच्चों आपका चौथे का आंसर। तो देखिए बच्चों इस तरह से सिंपली बहुत ही आसान तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसन पैसेज होते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। और अगर यहाँ पे देखिए दो दो चार दो छह सात नंबर का ये पैसेज है, तो आपको सात नंबर में से अगर आप पूरा आंसर इस तरह से लिखते हैं तो आपको पांच से छह नंबर बिल्कुल इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।